साथियों, यहाँ पर अभी 1942 की जो लड़ाई अगस्त क्रांति मैदान, ऐतिहासिक ऐसी जगह जिस जगह से चले जाओ और भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, और इस अगुवाई में उस वक्त जो साथ थे हमारे स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर जीजी परीख जी, इनका यहाँ पर अभी आगमन हुआ है। साथियों, हम भारत के लोग, ये पूरी तरह से अगुवाई हम सारे लोगों की है। जो कहना चाहता हूँ मुझे दिखाइए कि जहाँ बैठे हैं, हमने आज़ादी के आंदोलन को याद किया, हमने भारत छोड़ो के बाद के बारे में बोला, हमने गांधी जी ने कौन सा स्लोगन दिया ये भी कहा, लेकिन एक चीज़ भूल गए जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। जो स्लोगन है किम दुनिया के, वो यूसुफ महरी ने दी थी। मैं चाहता हूँ कि आप देखिए आप कि यूसुफ महरी जो समाजवादी थे, जो आज़ादी के आंदोलन के नेता थे, जो उस वक्त के मेयर थे, उन्होंने ये स्लोगन दी थी। और ये नारा गांधी जी ने अपनाया। मुझे लगता है एक ऐतिहासिक सच को आपको याद रखना चाहिए। एक दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, उसे दिखता ही है। हम लोगों ने ये सोचा, खास तौर से आज़ादी के आंदोलन में हमारे जैसे लोग जो जेल में थे, उन्होंने ये सोचा कि जो अधूरा था सपना गांधी जी का, जो अधूरी था सपना आज़ादी के आंदोलन का, उसका पूरा करने के लिए कुछ करना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने, मेरे जैसे बहुत से समाजवादी, मेरे जैसे बहुत से आज़ादी के आंदोलन में जो जेल में, उन्होंने उनके नाम से एक उच्च मेरिट सेंटर बनाया। उसका महत्व का काम क्या है? कम्युनल आर्मी। मुझे खुशी है कि मरने के पहले मुझको जो सपने हमने देखा था कम्युनल आर्मी का, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो आज आपके सामने जिस तरीके से आप लोग जिस तरीके से हिंदू मुसलमान यूनिटी की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मरने के पहले कम से कम इतना तो रहेगा कि जो सोचा था, अब हम लोग इसके बारे में मैं कहूँगा कबूल पड़े, क्योंकि मेरी आंखें ऐसी है जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। धन्यवाद। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय संविधान।